हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में है ना, तो आज ये वीडियो जरूर देख के जाइए, क्योंकि आज आपको हम बताने वाले हैं आपका ओएमआर शीट का जो पहले आता है। आपको पता है कि 20 अंकों का ओएमआर शीट आएगा। 20 अंकों में आपका 10 अंक आपका आएगा हिंदी साहित्य के विकास से रिलेटेड चीजें, उसमें साहित्य का विकास भी और उससे रचनाएं भी। 10 अंक को आएगा, उसका वीडियो अभी पड़ जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा। आपके पेपर है ना, 22 को आपका पेपर है, तो उससे पहले आपको पड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा वीडियो जरूर, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं आज हम 10 अंक का आपका जो कि ग्रामर से रिलेटेड होगा। ग्रामर में आपको क्या क्या चीजें 10 अंक इस तरीके से आएंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है, यही चीजें 10 आपको पूछी जाएंगी, और इनको आपने इसमें से 8 पक्का आप पाओगे। बस आपको दिमाग में ही रखना है, दो आपका थोड़ा सा बहुत गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको भी टिक लगा देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बताने वाले हैं आज आपको एकदम बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट आपको देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो पूरा का पूरा कंप्लीटली, ये है आपका रस छंद और अलंकार, समास, उपसर्ग प्रत्यय, वाच्य या पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, शब्द, वाक्य रचना, विसर्ग, सर्वनाम विशेषण या क्रिया विशेषण रिलेटेड, विभक्ति रूप, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर हम ये सारी चीजें कंप्लीटली आपको समझाने वाले हैं एकदम आसान। और पूरा वीडियो देखकर अगर आपने छोड़ दिया तो पक्का समझ लीजिए 8 नंबर आपने खो दिया, और ये 8 नंबर आप पक्का लेके आएंगे। यहाँ ऐसा नहीं है मैं कोई बहुत बड़ा ऐसे ऐसे पॉइंट्स बता दूंगा ना, आप पक्का करके आएंगे, ये मान के चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें हम लिखे भी हैं और कुछ चीजें आपको दिखाई भी दे रही होंगी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम रस की चर्चा करते हैं। तो रस आपके जो चैप्टर में है, मतलब आपके जो सिलेबस में है, ये क्लास 10th के लिए मैं बना रहा हूँ स्पेशली, और जो क्लास 12th के लिए मैं उसका वीडियो अगला मैं डाल दूंगा स्पेशली क्लास 12th के लिए। अगर पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं वो भी, लेकिन क्या है इनकी के में बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव आएगा, इसीलिए वही देखें, ये क्लास 10th वाले देखें, और वीडियो को एकदम लाइक कर दीजिएगा अभी नहीं बाद में। तो देखिए रस हम बता रहे हैं, रस में आपका दो है, एक करोड़ रस से एक हास्य रस। ठीक है, इसमें हमें कुछ थोड़ा थोड़ा चीजें पहले रस के बारे में समझ। रस जो होता है वो आपका, उसके रस के आपके 4 अंग होते हैं। क्या होते हैं इसके? इसके 4 अंग होते हैं, ये याद रख लेना। 4 अंग आपको पता होगा रस के क्या होते हैं, 4 अंग होते हैं। अब 4 अंग के बाद अगर हम इसमें देखते हैं, 4 अंग आपको पता भी होगा उसमें क्या कि स्थायी भाव, अनुभव, ऐसे मतलब नहीं, संचारी भाव, ठीक है, विभाव, ऐसे सुने होंगे ना, वही है 4 अंग, ये 4 अंग होंगे। उसके बाद आपको इसके प्रकार देखते हैं, तो 9 प्रकार के होते हैं। कितने? 9 प्रकार के। 2 रस इसमें बाद में ऐड किया गया है जिसको हम मिला करके 11 कह सकते हैं, लेकिन आपके पेपर में जब आएगा तो आप 9 लगाइए। क्या लगाइए? 9। वत्सर रस और भक्ति रस, ये आपको बाद में ऐड किया गया, इसको बाद 9 रस हो गया, 4 अंग हो गए, ये भी क्वेश्चन बनता है। अब हम आते हैं करुण रस और हास्य रस। हास्य रस और करुण रस दो ही रस आपके में आना होगा। अब हास्य रस की अगर हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं हास्य रस, किसकी? हास्य रस की चर्चा करते हैं। तो हास्य में आपको क्या, इसका स्थायी भाव क्या होगा? हास होगा। इसका क्या स्थायी भाव होगा? हास होगा। अस्थायी भाव इसका क्या होगा? हास। ठीक है, ये क्या होगा? अस्थायी भाव। ये भी आपको याद रखना, अस्थायी भाव, अस्थायी भाव पूछा जाएगा। देखिए सभी रस को हम नहीं बता रहे हैं, जो भी आपके में वही बताएंगे, स्थायी भाव में वही, और सबसे मतलब नहीं है। ये जो है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? सबसे सीधी बात, आपके पेपर में एक एग्जाम्पल दिया रहेगा और उसको पहचानना होगा। तो आपको इसमें क्या क्या चीजें दिखे जो आप पहचान लें? देखिए इसमें आपको देखना क्या है, एक आप हंसी दिखे, क्या हंसी दिखे, हंसी कैसे दिख, हंसी आपको कैसे आएगी? एक तो आगे देख, देख या देखें, सुने, देखें, सुने, ठीक है, हंसे, मुस्काही, समझ रहे हैं बात को ना? ऐसे शब्द में आपको अगर दिख रहे हैं ना, समझ लो कि वो हास्य रस होगा। साथ ही साथ अगर इसमें आपको कोई कपि की बात आ गई, मतलब बानर, और आपका नारद की बात आ गई, तो भी हास्य रस में आ जाएगा। यहां पर क्या लिख देते हैं, कोई कपि आ गया, कोई नारद आ गए आपके, कौन से नारद, ये सब क्या होते हैं, ये सब हास्य के पात्र होते थे, इसलिए। तो आप समझ गए ना, अब हास्य रस भूलेंगे नहीं। मैं कोई एग्जाम्पल अगर दूं ना, तो एग्जाम्पल दूंगा तो टाइम लग जाएगा, वैसे हास्य रस की अगर मैं एग्जाम्पल दूं, देखिए एक एग्जाम्पल आपके मतलब कॉपी में है, सॉरी आपके इसमें बुक में है, जो बिंद के वासी उदासी आपके तपो प्रधारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम ते की नारी तुलसी की कथा सुने मन सुखारे। देखिए सुखारे, सुखारे सुख, सुख हो रहा है ना, ऐसा सुख, यहाँ पर सुख भी लिख देते हैं, ठीक है, दुख की चर्चा नहीं है, सुख की, ठीक है। तो सुखारे कीनी भरी रघुनाथ करुणा करण पधारे, ये से है। और इसमें अगर हम और देखते हैं
तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप घंटा कर आलाप और राग में मारा गोता धीरे धीरे किसी चुके सारा श्रोता। ठीक है, ऐसी कोई चर्चा हो जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद, इसको हंसने के बाद हंसाई आए, मुस्काई आए, या कुछ आपके मन में सुखी भाव, ऐसे ऐसे भी अगर आपको एग्जाम्पल मिल जाते हैं तो हास रख, मतलब हास भाव बनो। देखिए कोई, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आप बोलेंगे कि कोई पता नहीं क्या बता रहा है। देखिए आपको अगर समझ में आना है तो समझिए, नहीं तो आप छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ऐसी चीजें बता दूंगा पक्का आप एग्जाम्पल करके आएंगे। अगर आप ये सी चीज पकड़ लेते हैं ना तो हास्य रस आप पकड़ लेंगे। हास्य रस बताता है करुण रस, कौन सा, इसमें का करुण रस आता है। तो करुण रस देखिए, करुण करुण में आप खुद बताइए कि करुण में कौन सा आपका भाव उत्पन्न होता है। करुण में शोक होता है। करुण का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। क्या होता है, स्थायी भाव शोक। ठीक है, अस्थायी भाव आपका शोक हो गया। ओके, अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इसमें देखिए शोक मतलब समझ सकते हैं, इसमें आपका क्या आएगा, दुख आएगा। क्या आएगा, दुख हो, दुख के साथ आपका इसमें विलाप हो कोई, मान लीजिए, और आपका शोक ही डायरेक्ट आ जाए, और आपका मान लीजिए उसमें आपका कोई भावना की बात आ जाए। ठीक है, कुछ ऐसी चर्चाएं इसमें आपके हों, और विरह की बात हो जाए मान लीजिए ऐसे, और इसमें मान लीजिए कोई आपका रोने की बात आ जाए। ठीक है, रोने की बात आ जाए, अलगाव की कुछ बात आ जाए, मन लगाव की बात आ जाए। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आती है ना तो आप करुण रस ठोक दीजिएगा, देख लेना गलत हो जाए तो कहें गलत नहीं होगी। एग्जाम्पल में जैसे मैं आपको बताता हूँ तो आपके करुण रस जो एग्जाम्पल है आपके में है क्या, मणि खोई भुजंग सी जननी फनसा पटक रही शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, किया न्याय तुमने जगदीश। बोल रहा है कि मणि सी खोई भुजंग, मतलब श्रवण कुमार जो है मृत्यु अपने माता पिता के विलाप का उदाहरण करुण रस में है। इसमें वो देखिए ऐसे बोल रहा है ना, फन सा पटक रही थी शीश, पटकी क्या दुख होगा, क्या सुखी से पीटेगा कोई, ऐसे भी समझिए। अंधी आज बनाकर, अंधी आज बनाकर मतलब अंधी बना करके ऐसा दुख भाव, तो ये आपका करुण रस में हो जाएगा। दो ही रस आपको पहचान, अब आप पहचान लेंगे अगर इन बातों को ध्यान देंगे, पक्का पहचान लेंगे, कोई गलत नहीं कर सकता है आपको। ठीक है, यहाँ पर अब चलते हैं हम छंद पर। किस पे चलते हैं, छंद पर। अगर हम छंद की चर्चा करते हैं तो छंद के अंग जो होते हैं वो 7 अंग होते हैं, आप समझ सकते हैं, या तीतु को जो विराम वाले सभी होते हैं ना, इसमें 7 अंग होते हैं। तो आपको ये नहीं जानना, केवल इसमें जानना कि 7 अंग होते हैं। पूछा जाएगा कि आपका जो छंद होता है उसमें कितने अंग होते हैं, तो 7 अंग होते हैं, और भेद उसको देखें तो 4 भेद होते हैं। कौन सा, ये 4 भेद होते हैं। और रही बात इसमें छंद के प्रकार जो होते हैं, तो इतने प्रकार होते हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। छंद बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के। ठीक है, अब हम 4 भेद में से, क्योंकि देखिए ये जो 4 प्रकार है ना, इसी में से इतने टाइप होंगे। अब 4 प्रकार सुने होंगे ना, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्तक छंद, वार्णिक, सुने है ना, तो यही है 4 भेद। अब हम सम्मात्रिक छंद में बहुत प्रकार, ठीक है, मात्रिक छंद में आपका प्रकार हो गया, मुक्तक छंद में प्रकार हो गया, तो सभी में प्रकार अलग अलग से, मतलब उसमें ये मेन 4 प्रकार का, मेन कितने प्रकार का, 4 प्रकार का अंग 7, याद हो गया ना। ठीक है, अब आपके सिलेबस में जो है रोला है और सोरठा है। कौन सा है, रोला है और सोरठा है। तो सोरठा की हम चर्चा करते हैं सबसे पहले। कौन सी चर्चा करते हैं सबसे पहले, पहले हम चर्चा करते हैं सोरठा की। ठीक है, सोरठा, सोरठा में आपको क्या करना है, इसमें आपको विषम पद होता है। विषम पद आप समझ सकते हैं, विषम पद, विषम पद में आपका क्या होगा, 11 11 11 मात्रा। ठीक है, विषम पद में क्या होगा, 11 11 मात्रा। और आपका सम पद में, किसमें, सम पद में क्या होगा, 13 मात्रा 13 मात्रा। ठीक है, बस आप यहीं से पहचान सकते हैं, यहीं से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, और सोरठा जब पढ़ने लगेंगे ना तो आपको पढ़ते नहीं बनेगा, वो बड़ा बेसुरा बनेगा। अगर उसको आप बीच से निकाल करके पहले उसको पढ़ो, उसके बाद जैसे आपका कोई ये दोहा हो, मतलब ये आपका ये लाइन है, यहाँ से कॉमा लग गया है, फिर यहाँ से लाइन है, यहाँ से कॉमा लग गया, दिमाग में बैठाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपका सोठा पकड़ में आ जाएगा। जब आप यहाँ से शुरू करेंगे ना सोठा को, तो यहाँ से पढ़ेंगे यहाँ तक, तो इसका जो लय होता है तुक ना, वो बैठेगा नहीं यहाँ पर। इसको कुछ पढ़ेंगे ना तो यहाँ बैठेगा नहीं, इसको भी पढ़ेंगे तो यहाँ बैठेगा नहीं। अब आप यहाँ से शुरू करो, यहाँ शुरू करो, इसको यहाँ पढ़ने के बाद आप यहाँ से शुरू करो तो यहाँ पे खत्म करो,
यहां से शुरू करो, यहां से जाने के बाद आप इसको यहां शुरू करो, यहां पे खत्म करो, तब देखो एज ए दोहा की तरह यूज होगा। मतलब ये दोहा का उल्टा होता है। क्या होता है? दोहा का उल्टा होता है। तो आप जब कभी भी यहां से पढ़ के यहां तक आए, अगर अच्छा सा तुक बैठ रहा है, अच्छा सा लय बन रहा है ना, सो लिए सो उठा है वैसे। और वैसे भी उसमें मात्रा जब गिनेंगे, मात्रा गिनेंगे तो उसमें जो विषम पद होता है, मतलब विषम पद किसको कहते हैं, वन और थ्री, वन और थ्री, चार चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें चार चरण होते हैं, इसमें आपको चार चरण होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चार चरण होंगे, और चार चरण में आपका विषम जो चरण होगा, विषम पद जो होगा, विषम में आपको कितने होंगे, 11 11 मात्रा होंगी, और सम पद में आपका 13 13 मात्रा होगी। इस पद को, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद सोरठा के बाद आता है रोला। कौन सा आ जाता है? रोला। हम यहाँ पर रोला कर देते हैं। कौन सा? रोला, रोला छंद। ठीक है, रोला छंद अगर हम देखते हैं तो रोला में सेम वही कंडीशन है कि इसमें जो है आपका टोटल मिलाकर अगर हम देखते हैं रोला में, तो आपका जो यानी कि इसमें जो लाइनें होती है ना, वो यति जो है बीच में लगेगा। 11 मात्रा पे आपको यति लग जाएगा, लेकिन वो यति आपको दिखाई नहीं देगा। पूरा मात्रा जब हो जाएगा, टोटल आपका पूरा मात्रा जब हो जाएगा, तब आपको जाके दिखेगा। चलिए हम यहाँ पर इसको हम समझाते हैं पहले रोला को। इसमें भी प्रत्येक चरण में जो होगा 11 और 13 मात्रा होगी। प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में 11 व 13 मात्रा होगी, वह 13 मात्रा होगी। कितना होगी? 11 और 13 मात्रा होगी। ठीक है, ये टोटल मिलाकर कितना होगा? कुल मतलब बराबर 24 मात्रा। कितना मात्रा होगी? 24। इसको जोड़ दीजिए, 24। एक ऐसे होगा जैसे आपकी लाइन लिखी है, ऐसे लाइन लिखी हुई है ना, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर ये जो पूरा होगा, तो यही बीच में जहां हम इसमें कॉमा लगाते थे, कॉमा लगा नहीं रहेगा, परंतु यहाँ पर यति जैसा आपको विराम में अपने आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर विराम आ जाएगा, सांस लेना पड़ेगा। और जब सांस लेना पड़ जा रहा है, तो वही यति हो जाएगा, और वहीं पर आपका 11 मात्रा पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद 13 मात्रा बनेगा, और 11 और 13 मतलब प्रत्येक चरण में हमारा जो एक चरण ये होगा, इसमें 24 मात्रा होगी। कितनी मात्रा होगी? 24 मात्रा कुल होगी आपकी। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा रोला। ठीक है, जैसे देखिए, जीती जाती हुई, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी। अब ऐसे लगा, कामा लग जाता है तब भी, नहीं कामा लग जाता तब भी यति उसमें लगेगा ना। तो यहाँ पर आपका सेम वही कंडीशन है जैसे उसमें उसमें, इसमें उसमें में कोई खास फर्क हमें नहीं लगता है कि आपको, लेकिन ये पढ़ने में थोड़ा अजीब। तो सोरठा और रोला एक ही तरीके से घुमा फिरा के देखा जाए तो, इसमें भी आपका चार चरण, सारी चीजें, और 11 13 मात्रा सब वही, तो ये आप पकड़ लेंगे आप। अब आ जाता है अलंकार। अलंकार को अगर हम देखते, अलंकार आपको देखा जाए तो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार के हिसाब से बहुत सारे अलंकार, बट आपके जो इसमें है, आपको उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, तीन अलंकार को हम पढ़ते हैं, और तीनों अलंकार को ही हम समझते हैं कैसे कैसे क्या चीज है। तीनों अलंकार में देखिए, सबसे पहले अगर हम उपमा की चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं? उपमा की, उपमा की चर्चा करते हैं। उपमा में क्या होता है, तो वस्तु को उपमेय और उपमान, समझ रहे हैं ना, उपमेय, क्योंकि आपको वहां परिभाषा तो लिखना नहीं है, मैं सीधा ट्रिक बता रहा हूँ। इसको कैसे पहचान करेंगे? मैंने बोला प्रत्येक चरण में 11 13 मात्रा हो, आप पहचान लीजिएगा। इसमें यति बीच में लगेगा, और इसमें भी वही है कि 11 और 13 मात्रा इसमें भी होगी, और इसमें भी आपका कॉमा लगा के लिखा है, लेकिन पढ़ने में अजीब लगे, तो इस तरीके से पहचान के आप टिक लगा दीजिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं उपमा में, इसमें क्या होता है, उपमा में दो वस्तु, जो दो वस्तु होती है, दो वस्तु की क्या की जाती है? समानता, समानता या तुलना, क्या की जाती है? तुलना। ठीक है, तुलना की जाए, और कई किन शब्दों से की जाती है? से में, ठीक है, से में, कुछ ऐसे शब्द यूज होंगे। और एक है, चलिए भी जैसे याद आता है, से में के शब्दों से ऐसे ही आपका ये आपका उसमें लाइन में आ जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा के बाद हम इसमें और भी देख लेते हैं, उपमा के बाद आपका रूपक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? रूपक। रूपक ये दो वस्तुओं की, दो वस्तुओं की समानता, अभेद रहित, क्या इसमें अभेद रहित, अभेद रहित क्या किया जाए? आरोप किया जाए, मतलब मान लिया जाए। क्या? मान लिया जाए। ठीक है, मान लिया जाए। और इसमें
को ही मान लिया जाए, इसमें दिमाग लगाइए को ही मान लिया जाए, कुछ है इस तरीके। अभी आपको पकड़ में आ जाएगा, डरिए मत, अभी सब आ जाएगा, अभी सोचिए मत ज्यादा। उत्प्रेक्षा, इसमें भी दो वस्तुओं का, दो वस्तुओं की जो इसमें आरोप उसका मान लिया गया है, इसमें क्या होगा उत्प्रेक्षा में, इसमें आपको संभावना की जाएगी, क्या संभावना बताया जाएगा, संभावना व्यक्त किया जाएगा, ठीक है। संभावना व्यक्त, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मन मानो जन जानो, मनो जनो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तब हम इसको पढ़, अब तीनों अलंकार आपको पता चल जाएगा। मैं समझ आता हूँ आपको, इसमें थोड़ा सा एक्टिव, जैसे देखिए ये दो वस्तु हुई, मान ली सूर्य और चंद्रमा हुआ। अब सूर्य को, सूर्य और चंद्रमा की जो, सूर्य और चंद्रमा से क्या तुलना बताई जाए, सूर्य और चंद्रमा में तुलना, में और से है, सूर्य और चंद्रमा में तुलना बताई जाए कि सूर्य जो है वो चंद्रमा के जैसा चमक रहा है, चंद्रमा जो है सूर्य के जैसा चमक रहा है, कुछ ऐसे तुलना की जा रही, वो उपमा अलंकार हो जाएगा, मैं और से के रूप में लगा रहेगा। अब यही सूर्य और चंद्रमा को, सूर्य और चंद्रमा को, तो सूर्य को ही मतलब चंद्रमा को ही सूर्य मान लिया जाए, चंद्र जिसे बोल दिया, सूर्य चंद्र जैसा ऐसे कुछ बोले, तो वो इस सूर्य को चंद्रमा ही मान लिया जाए, उसको सीधा सीधा मान लिया गया, मतलब उसको समझ ही नहीं रहे हैं, उसको सीधा मान लिया, बस कुछ इस तरीके से रूप का भेद रहित तो आरोप कर दिया जाए। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, इसमें इसमें संभावना व्यक्त की जाए कि मानो मानो सूर्य चंद्रमा के जैसे प्रकाश दे रहा है, कुछ इस तरीके से मानो जानो जनो मनो ऐसे लगा रहेगा। इसमें एग्जाम्पल के लिए अगर हम बताते हैं तो आपके बुक में जो है, हम उसमें चलते हैं सबसे पहले छंद अलंकार समास, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले उत्प्रेक्षा के अगर देखते हैं, किसका बता दें, पहले उपमा का है। उपमा का देखिए आप में कितने एग्जाम्पल्स हैं, मैं उनको समझाता हूँ जो कि आपके में पूछा गए हैं बहुत बार। यहाँ पर है देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर का पात जो है उस सरिस, पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला, सरिस जैसा मन डोला, मतलब पीपर के पात जैसा मेरा मन डोला, ये देखिए उसमें तुलना की। उसके बाद अगर हम देखें हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कमल जो है कोमल से, इसमें भी से लग गया, मतलब हरिपद कोमल कमल, कोमल के जैसा बताया गया है, और कि एक शब्द इसमें अलग से लिया जाता है, एक शब्द इसमें क्या लिया जाता है, अलग से लिया जाता है, जब समामे कोई चीज का जब समानता दिखाई जाती है उसमें एक अलग शब्द, इसको इसको जैसा गोरा है, ये इसके जैसा काला है, ये इसके जैसा कोमल है, जब उसमें अलग एक शब्द लेकर के ना किया जा रहा है तो उपमा हो गया, रूपक को वही मान लिया जाता है, उत्प्रेक्षा में उसको मान लिया जाता है। बात समझ में आई, इन दोनों की तुलना कोई अलग एक शब्द से तुलना कीजिए कि ये इसके जैसा है, इस तरह, मतलब ये जो है ये ठीक है। अगर हम कहें कि ये बिल्ली है ये कुत्ता है, बिल्ली के भी कुत्ता के भी हम पैर से तुलना कर दी कि बिल्ली का पैर कुत्ते के पैर जैसा है, ऐसे बने पैर से उसकी तुलना, तो हमारा वही हो गया आपका उपमा। अगर हम इसी को बिल्ली को ही कुत्ता मान ली क्योंकि उसके भी चार पैर है, मैं उसी को मान लिया। और प्रेक्षा में क्या होता है, मानो जो कुत्ता है वो बिल्ली जैसा प्रभाव है, और बिल्ली जो है कुत्ता जैसा, एकदम उसको मानो ऐसा हो, तो बात को समझे, तीनों भूलना नहीं, पकड़ लेना आराम से। जैसे मैं बोलूं, अगर इसमें क्या है कि आपका एक है, यही कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, माला सी, तो इसमें क्या है, से वाले में है आपका उपमा अलंकार हो, माला सी। और इसी तरीके से अगर हम देखें रूपक में, अगर देखते हैं चरण कमल बंधो, चरण को कमल मान लिया गया, ऐसे बंधो हरियाई, और इसमें हरि जननी, देखिए एक बात मैं यहाँ पर और पकड़, रूपक में हमेशा साथ में लिखा रहेगा, रूपक में हमेशा दोनों उपमेय रूप में साथ लिखे हैं, रूपक में दो वस्तुएं या चीजें जो होंगी, दो वस्तु या चीज साथ में ही रहेंगी, किस में रहेंगी, साथ में रहेंगी, रहेंगी कुछ इस तरह चिन्ह लगा के, ठीक है। अपने आप ये भी रूपक भी पता चल जाएगा, ज्यादातर यही से होता है। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल दिखाते हैं, हरि जननी, हरि और जननी के बीच में आपका योजक चिन्ह, इसी तरीके से इसमें आपका एक है माया दीपक, माया दीपक के बीच में है, इसी तरीके से अगर हम देखते हैं रघुवर बाल पतंग, रघुवर और बाल के बीच में, आप समझ जाएंगे रूपक ना, रूपक अगर ये बीच में हटने लगा कैसे है, दोनों शब्द, दोनों उपमेय और उपमान जो है दोनों एकदम करीब रूपक। बाकी उसमें मन मानो जानो की अगर तुलना कीजिए तो उत्प्रेक्षा, बाकी उपमा कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैंने क्लियर कर दिया, समास की चर्चा करते हैं, किसको, समास को बताते हैं, ठीक है, समास को बताते हैं हम यहाँ पर, समास,
ठीक है, समास में सबसे पहले हम चलते हैं कौन सा आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जो कि दो ही समास है आप में, और द्विगु समास, द्विगु द्वंद्व, ठीक है। अब इसमें देखिए, बहुव्रीहि समास जो है, जब दो चीन दो शब्द को, शब्द का अर्थ तीसरा हो, तीसरा हो यानी प्रधान तीसरा होता है। इसमें दो जो अपने जो उसको अलग करते हैं, दोनों दो पद इसमें होते हैं, मतलब शब्द का अर्थ जब उसको दो पद अलग करते हैं ना, उसको तोड़ते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं ना, तो वो किसी तीसरे का भाव बताएगा। एक तीसरा शब्द तैयार है, तीसरा हो प्रधान, तीसरा हो प्रधान, ये हो जाता है। मैं मोटा मोटा वो कोई परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, बस द्विगु में घुसा रहा हूँ आपको। और द्विगु में क्या होता है, इसमें द्विगु में आपका संख्या होगा, क्या होगा, संख्या, संख्या को बताए। जैसे इसमें क्या होगा, चौ, पंच, त्रि, दो, ऐसे होंगे, ठीक है, ऐसे शब्द होंगे इसमें। और द्वंद्व में क्या होगा, द्वंद्व में मेल, मेल का मतलब इस चिन्ह वाले, ठीक है, योजक। अब इसमें भी पकड़ लेंगे, मैं बोलूं लो, ठीक है, समास भी आपका इस तरीके से हो जाएगा। चलिए मैं कोई बताता हूं, जैसे आप पकड़ना खुद इसमें कि आखिर कौन सा समास कैसे समास है। शताब्दी, शताब्दी किसको बोलते हैं, शताब्दी मतलब सत, मतलब 100, द्विगु हो गया, ओके। और इसी तरीके से मैं बोलूं, अगर इसमें देखिए, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रि हो गया, त्रि, तीन हो गया, त्रि हो गया, मैंने वहां लिखा है त्रि, क्या हो गया, द्विगु हो गया। इसी तरीके से बारह मासा, बारह आ गया, ठीक है, त्रिलोक, त्रि आ गया, ससई, 700, 700, ठीक है, ससई, चौराहा, चार, चार, चौ आ रहा है, चौपाया, चौमासा, दोपहर, त्रिफला, चौपाई, नवरत्न, त्रिवेणी, सभी देखिए, सत्तर, पंचानन, नवनिध, पंचपाद, दशावतर, पंचपल्लव, चतुष्पद, त्रिकोण, त्रिदेव, सप्तसिंधु, इस तरीके से जो संख्या को दर्शाएं वो द्विगु होगा, द्विगु होगा, द्विगु होगा, द्विगु होगा। लेकिन एक दो कंफ्यूजन में रहता है, कभी कभी आ जाता है, जैसे आ गया कि दशानन, दशानन आपका नहीं आ गया, दशानन मतलब 10 नहीं समझना, 10 आनन मतलब 10 भुजाओं को, ओ सॉरी, 10 सिर को धारण करने वाला रामण, तो रामण जो हो जाएगा बहुबरी हो जाएगा इसमें दशानन। तो इसी तरीके से लंबा है जिसका उदर, जिसका ये मतलब एक कोई अर्थ निकलता है, तो उसका कोई पर्सनल नाम अलग से बनता है, जैसे लंबा है जिसका उदर, लंबोदर, लंबोदर हो गया। इसी के 4 भुजाओं को रखने वाले चतुर्भुज, मतलब विष्णु को बोला जाए, तो ये अलग अलग चीजें हो जाती हैं, तो बहुबरी में होगा। अब बचता है द्वंद, द्वंद समाज माता पिता, माता और पिता को ऐसे जोड़ के लिखते हैं ना, उस तरीके से, उसी तरीके से भाई बहन जोड़ के लिखते हैं ना, इसी तरीके से होता है। ऊंच नीच, रुपया पैसा, हरा भरा, प्यारा न्यारा, हर लाभ हानि, राधा कृष्ण भाई, तो गांव शहर, चल थल, पिता पुत्र, समझ गए ना, इस चिन्ह को लगा के। तो अब आप समाज भी क्लियर कर लेंगे। अब बात फंसती है वाच की, वाच में बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें तीन वाच होते हैं, कर्मवाच, कृतवाच और कर्मवाच, कृतवाच, ठीक है, भाववाच। इसमें कर्माणि, कृतार्णि, भावे ऐसे भी लिखा रहता है, तो वो उसको बस यही शब्द पकड़ना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी कर्मवाच कृतवाच में, इसमें जो है, जो हमारा क्रिया होता है, क्या क्रिया, क्रिया का लोड देखना है, क्रिया को लोड देखना है कि किस पे पड़ रहा है, वही वाच्य होगा, वही वाच्य होगा जिस पे क्रिया का लोड बन रहा है, उसके लिंग का, वचन का, सभी का, ठीक है। तो इसमें हम समझते हैं, अगर कर्म पर लोड जाए तो कर्मवाच्य, क्रिया। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे देखिए, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, ये दिमाग बैठाइएगा, पहले मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने, मैंने पुस्तक पढ़ी, इस पढ़ने का लोड किस पे जा रहा है, पुस्तक, मैंने पर, मैंने पढ़ी ना, ये कर्ता, वैसे भी पहले पहचानिए, ये कर्ता है, ये क्रिया, सॉरी, ये कर्ता है, ये क्रिया है, ये कर्म है,
ये कर्ता है, ये क्रिया है, ये कर्म, क्योंकि कर्ता द्वारा पढ़ा जा रहा है और पढ़ा क्या जा रहा है, पुस्तक। तो कर्म कर्तक ये समझ लें। अब जिस पर इस पढ़ने का लोड जा रहा है मैंने पर, ये हो गया आपका कर्तवाच यानी कि कृतवाच, ये हो गया कृतवाच। लेकिन अगर इसको मैं इस तरीके से कन्वर्ट कर दूं कि पुस्तक पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई या मुझसे पढ़ी गई, कुछ इस तरीके से पढ़ें, तो देखिए इसमें पुस्तक जो है, पुस्तक ये हमारा कर्म था, कर्म को मैंने कर्ता का स्थान दे दिया। अब इसमें जो है ये पढ़ा जाना जो है, पढ़ा जाने का लोड किस पे जा रहा है, पुस्तक पर जा रहा है ना। तो बस यही काम हो गया, ये हो गया आपका कर्मवाच, ये क्या हो गया कर्मवाच। ठीक है, अब इन सब में, इन सब के भाव को, ना तो कर्म रहे ना तो कर्त रहे, इसका मतलब वो भाव हो जाएगा। भाव में क्या होगा, उसमें बोला जाए कि पुस्तक, इसमें भी मतलब इसमें भी हम नहीं जोड़ दें या इसमें भी नहीं जोड़ दें, क्या जोड़ दें, नहीं, तो भाव पूरा चेंज हो जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका भाववाच्य, क्या हो जाएगा भाववाच्य। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैसे, भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है, सीधी सीधी बात, पूरा भाव चेंज है, ज्यादातर इसमें नहीं लगा दिया, क्या लगा दीजिए, नहीं। बात को समझ गए ना आप, समझ गए। मैं बोलूं अगर राम भोजन करता है, राम भोजन करता है, राम भोजन करता है, इसमें राम भोजन करना मतलब कर रहा है, जो भोजन कर रहा है किस पे, राम पे जा रहा है, तो ये कर्तवाच हो गया, करता है ना राम। अगर इसी को बोला जाए कि भोजन राम द्वारा किया जा रहा है, भोजन राम द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, तो ये जो कर्मवाच होता है, ये कर्म आपका जब कभी भी गया कर्मवाच होगा ना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, द्वारा ने किया गया, कुछ ऐसे शब्द आएंगे इसमें, ठीक है, कर्मवाच्य में अपने आप पता चल जाएगा। आप समझ सकते हैं कि भोजन राम द्वारा किया जा रहा है, और भोजन राम ने किया, ऐसे कुछ हो तो आप कर्मवाच्य कर दीजिएगा, शायद आप कंफ्यूजन नहीं बनेगा, आपको दिमाग बैठा गया ना। और भी मैं एग्जांपल दूं, गाय चरती है, गाय चरती है, गाय चरती है, तो गाय चरती, चरने का किस पर जा रहा है प्रभाव, गाय पर, तो गाय कर्तवाच हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो है गाय द्वारा चरी जा रही है, तो गाय द्वारा चरी जा, अब जो है चरना जो है गाय द्वारा हो रहा है, तो चरने पर लोड जा रहा है। लेकिन इसको ऐसा नहीं बोला कि चरना गाय द्वारा हो जा रहा है, तो उल्टा बोल जाएगा ना, जब तक कर्म आगे नहीं जाएगा तो कर्म आगे जाए कोई ना जाए कोई जरूरी नहीं। अब हम पहुंचते हैं वाच के बाद पर्यायवाची। पर्यायवाची को आपको कोई इसमें रूल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इन सब पर एक बार दिमाग में, कमल पर, चांद पर, नदी पर, वायु पर, पृथ्वी पर, बादल पर, सूर्य पर, इन सब की पर्यायवाची आप खुद एक बार लर्न कर लीजिएगा। आपको इनमें से बहुत बार पूछा जाता है, बहुत एग्जाम्पल हम नहीं देंगे, इतने एग्जाम्पल हमने दिए, शायद संयोग आपके परीक्षा में मिल गया। तद्भव तत्सम को समझाते हैं, तद्धम तत्सम तद्भव आ गया, देखिए तत्सम तत्सम तद्भव, ठीक है, तद्भव, देखिए दिमाग लगा दें, तत्सम क्या है, एक कठिन है, क्या है, एक कठिन अक्षर, दिमाग बैठाइए, ये क्या है, एक सरल है, ये क्या है, एक सरल शब्द है, ठीक है, दिमाग बैठाइए, सरल है कि नहीं, आप इसको पढ़ के देखिए, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, ठीक है, इसमें क्या है, आधा अक्षर है ना, आधा तस, किसमें आधा अक्षर है, इसमें आधा अक्षर है, दिमाग बैठाइए, किसमें आधा है, इसमें आधा है ना, इसमें क्या है, पूरा पूरा है, आधा इसमें भी है लेकिन देखने में क्या है, पूरा पूरा है ना। तो अब आपको जब भी अक्षर आधा मिले तो आधा वाला कर दीजिए, जब भी आपको पढ़िए अक्षर, ना तो आधा मिले ना कोई सरल अक्षर मिले, तो समझिए तद्भव कर दीजिए। यहाँ पर तत्सम का हमने कुछ पहचान बताया है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये तत्सम की पहचान, जब कभी भी छ आए, छ छत्री आए, आधा छ छा आए, या आपका ग आधा आए, या आपका राउ ऊपर वाला आधा आए, सा ऊपर वाला आधा आए, ता ऊपर आए, षटकोर वाला सा आए, सलजम वाला सा, तीनों सा आधा आए और राब का ऊपर वाला आए, छ छत्री और छ छत्र, ये सब आपके तत्सम होंगे, कोई भी छान के रख दीजिएगा, 90% आपका सही होगा। बात समझ में आ गई ना, तत्सम तद्भव कोई नहीं, मैं कोई एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, मैं दिखाता हूँ, जैसे देखिए आपको मैं बताता हूँ, आधा अर्ध, अब आप दिमाग, एक होता है अर्ध, एक होता है आधा, आप बताइए कौन सा तत्सम है, अर्ध आधा, अर्ध आधा, अर्ध आधा, देखिए मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, ये हो गया अर्ध, ये हो गया आधा, देखिए ये आधा हो गया ना, उड़ हुआ रहा गया इसमें, उड़ने वाला रहा आ गया ना, ऐसे इसी तरीके से अगर हम कहूँ ऊंट, ऊंट के बाद इसको नहीं, पुष्ट, देख लीजिए अब कौन सा किस में आया, मैंने उल्टा लिखा है ना,
अब पता चल गया आपको ना गलत मैंने लिखा, क्योंकि ऊंट सरल है उष्ट गल कठिन है, इसको इसमें होना चाहिए इसको इसमें कठिन। अब आप तो समझ में आ गई ना, तो ऐसे आपको समझना है, शायद आप समझ लेंगे तत्सम तद्भव, भूलेंगे नहीं, हमें लगता है कि भूलेंगे नहीं। अगर मैं इसे कह दूं गोबर गोविष्ठा, गोबर गोविष्ठा, तो गोविष्ठा पता ही कठिन है, तत्सम है, गोबर क्या है तद्भव। इसी तरीके से अगर और देखते हैं, जैसे देखिए अब आपको देखना है कि मान लीजिए पतोह पतोह पौत्र, बताइए कौन सा कठिन है, पौत्र मतलब तत्सम, समझ गए ना। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है, अब यार बताइए बच रहा है दो, दो को मैं यहाँ पर बताऊंगा तो बहुत ये टाइम। अब संज्ञा सर्वनाम अगर आप समझते हैं तो इसमें क्या होता है, क्रिया विशेषण, विशेषण किसको कहते हैं, संज्ञा किसको कहते हैं, आप समझ लिए, संज्ञा उसको कहते हैं जो जिस पर बात बोली जाए, जो कर्ता होता है वही संज्ञा होता है। जैसे राम खाना खाता है, तो राम जो है ये कर्ता हो गया, और खाता है जो हो गया क्रिया हो गया, तो क्रिया हो गई। क्रिया को अगर फिर से क्रिया के बारे में विशेषण, क्योंकि राम बहुत तेज खाता है, तो जो तेज बताया जा रहा है ना उसका विशेषण, और उसको बहुत तेज बोला जाएगा क्रिया विशेषण, इसी तरीके से होता है सारी चीजें। अब राम की जगह अगर हम राम नहीं यूज करें, बोले वह बहुत तेज खाता है, राम को हटा के उसके स्थान पर कोई शब्द प्रयोग कर दे, वो हो जाता है सर्वनाम। हम मैं तुम यह हुआ ये सब जो होते हैं सर्वनामिक होते हैं, क्या होते हैं सर्वनामिक विशेषण होते हैं। तो विशेषण आपको पूछा जाएगा कि सर्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, आपका पूर्वकालिक क्रिया, कैसे भी बहुत सारी चीजें इसमें हैं, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। तो क्या मतलब है, विभक्त आपका तद का याद कर लीजिएगा और स्मत का याद लीजिएगा, मतलब तुम और वह, वह तीन प्रकार का होगा, लड़की के लिए, लड़का के लिए, और आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक के लिए वह का आपका तद का याद करना, और स्मत का याद करना है जो तुम होता है, इसका भी आप विभक्त याद लिए। विभक्ति आपको याद करना है पंचमी षष्टमी चतुर्थी पंचमी षष्टमी, ठीक है, यही याद करना है। और अधिकतर बहुवचन द्विवचन, बहुवचन और द्विवचन याद करना है। अगर याद कर लेंगे, अब आपको अगर कोई फेल कर दे यहाँ से, अगर 7-8 नंबर ना पाए तब कहना नहीं पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को इस तरीके से शेयर कर दीजिए, इस तरीके से शेयर कर दीजिए कि कोई कह ना पाए कि हाँ आज ये वीडियो में दम नहीं है, ठीक है। तो पक्का आपको आज आपको शेयर करना है, और बहुत अच्छी तरीके से इसको आपको फैलाना है, ताकि जो 22 का एग्जाम हो उसमें आपका काम हो जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, मैं इसको लैपटॉप में समझाऊंगा, और उसमें क्या मैं बताऊंगा पूरा आपका एक बार जीवन काल का ब्यौरा मैं दे दूंगा, साथ ही साथ उसके साथ साथ मैं तुरंत आपको, वैसे हिंदी साहित्य का विकास मैंने बताया है, वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पर मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा, उससे आपको हिंदी साहित्य के विकास से जुड़ी हुई चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, 10 अंक वहीं से पा जाएंगे। लेकिन शॉर्टकट में जो क्लास 10th के लेवल का है, मैं रचनाएं जो है उसको मैं एक वीडियो जस्ट ही हो सकता है आ जाए, अगर टाइम मिल जाता है, नहीं तो आपको यहाँ से, और वो वीडियो हिंदी साहित्य का 2 पार्ट मैंने बनाया उसको देख लेना, वहां से काम आपका हो जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए और रहेंगे टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल पर, और मिलते रहते हैं अगली वीडियो में, और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर, मास्टरली मोबाइल टेक चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और फेसबुक पेज भी एक बार फॉलो कर दीजिएगा।